नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब स्वावलंबी बनेंगी बिहार के शहरी क्षेत्र की महिलाएं। अब गया, रोहतास और कैमूर में शुरू होगा रोपवे। अब 10 रुपए में पाइए एलईडी बल्ब। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के लिए नहीं लगाने होंगे प्रखंड के चक्कर। बिहार में डराने लगे हैं कोविड-19 के मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब स्वावलंबी बनेंगी बिहार के शहरी क्षेत्र की महिलाएं। बिहार में अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी जिंदगी किसी और के सहारे गुजार रही हैं, लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चलने वाला, क्योंकि अब बिहार के शहरी इलाकों की महिलाओं के पास रोजगार हासिल करने का मौका है। जी हां, आपने सही सुना, बिहार में जल्द ही डीजी सखी की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर ही शहरी क्षेत्रों में कुल 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। शहरी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेंगी। इन महिलाओं के समूह को प्रशिक्षित कर उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह समूह अपने वार्ड में लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएंगी। कॉमन सर्विस सेंटर के खुलने के लिए ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने सहमति दे दी है। अब गया, रोहतास और कैमूर में शुरू होगा रोपवे। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार बिहार सरकार अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने अब तक राजगीर और मंदार पर्वत पर रोपवे की शुरुआत कर दी थी, जो पर्यटकों को काफी पसंद आ रही है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार गया, रोहतास और कैमूर में भी रोपवे की शुरुआत करने वाली है, जिसकी जानकारी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के सचिव संतोष मल ने दी है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया है कि वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय 300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। वही मुंडेश्वरी, रोहतासगढ़, गया के प्रेत शिला, वानवार आदि स्थानों पर रोपवे का कार्य जारी है। बोधगया में भव्य अतिथिशाला का निर्माण किया जा रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नलिन विलोचन शर्मा की। नलिन जी का जन्म भारद्वाज गोत्र के सरयू पारीन ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत 1972 माघ शुक्ल चतुर्दशी तदनुसार 18 फरवरी सन 1916 ईसा को संध्या 6 बजे पटना सिटी के बदरघाट के पास हुआ था। वो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मात्र लगभग 46 वर्ष की आयु में 12 सितंबर 1961 ईसा को अपराहन 1:30 बजे हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। नलिन जी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के निष्णांत विद्वान थे, साथ ही फ्रेंच और जर्मन भाषा का भी उन्होंने यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया था। चित्रकला में भी उनकी गहरी रुचि थी। नलिन जी ने हिंदी आलोचना का नया मापदंड निर्मित किया। अपने प्रखर आलोचनात्मक लेखों, साहित्यिक टिप्पणियों और पुस्तक समीक्षाओं के जरिए वो हिंदी संसार को नए ढंग से आंदोलित करने में सफल हुए। नए पुराने सभी लेखकों के बीच के आलोचकों के रूप में वो समान रूप से प्रतिष्ठित थे। अब 10 रुपए में पाइए एलईडी बल्ब। जब भी आप एलईडी बल्ब लगाने की सोचते हैं तो लंबा चौड़ा खर्च आपके आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि आप अब यह बल्ब केवल 10 रुपए में ही खरीद सकेंगे तो आपको भी शायद एक मिनट के लिए मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। जी हां, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों को रोशनी से झिलमिलाने के मकसद से केंद्र सरकार की तरफ से 10 रुपए में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिहार में इसके लिए 14 जिलों को चयनित किया गया है, जहां फिलहाल लोगों को मात्र 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार ऊर्जा संरक्षण दिवस पर 14 दिसंबर को राज्य में इसकी शुरुआत होगी। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया गया है, साथ ही जल्द ही लोगों को भी जागरूक करने का काम शुरू किया जाना है। बिहार में हुआ सफल कपल अभियान का शुभारंभ। बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना आज समय की मांग है। यही कारण है कि बिहार में भी लोगों को जागरूक करने के लिए खास पहल की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत परिवार नियोजन को लेकर सफल कपल अभियान का शुभारंभ बीते दिन हुआ, जिसकी शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हरी झंडी दिखाकर की। सफल कपल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार की प्रजनन दर में कमी आई है। पिछले साल बिहार का फर्टिलिटी रेट 3.4 था, जो इस साल घटकर 3% पर आ गया है, जो कि बिहार के लिए बेहद ही सुखद संकेत है। सबसे खास बात यह है कि 2005 में यह दर 4% से ज्यादा था, लेकिन अभी भी फर्टिलिटी रेट में कमी आई है। से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के लिए नहीं लगाने होंगे प्रखंड के चक्कर। कोरोना की दो लहर में कई आंगन सुने होंगे। किसी के सिर से पिता का साया चला गया तो किसी के सिर से मां का, और कहीं कहीं तो आफत का पहाड़ ही टूट गया। हालांकि जाने वालों को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनकी मदद जरूर की जा सकती है।
बिहार सरकार भी यही कोशिश कर रही है। यही कारण है कि सरकार ने कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे की राशि देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक ऐसी शिकायतें आ रही थी कि लोग प्रखंडों का चक्कर लगाने पर मजबूर है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जिला आपदा प्रबंधन विभाग के ADM अब सीधे कानूनी आश्रित के बैंक खाते में भुगतान करेंगे। जिले में अब तक 1901 आश्रितों के बैंक खाते में 4-4 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। बिहार में डरा रहे हैं कोरोना के मामले। बिहार में कोरोना के नए मामले अब डराने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 23 मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 81 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 13, बेगूसराय में 2, दरभंगा में 1, मुजफ्फरपुर में 2, सीतामढ़ी में 3, वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एक ऐसे सैंपल की भी पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्य के हैं। इसके अलावा किसी भी जिले में एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 2,22,000 सैंपल की जांच की गई, वहीं 4 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। अब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य। कोरोना की लंबी लहर के बाद स्कूलों पर लगे तालों को एक बार फिर से खोल दिया गया है, लेकिन अब कई राज्यों में मामले बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, राजधानी पटना में भी मामले अब चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल में पढ़ाना स्कूल प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। हालांकि स्कूल अपनी तरफ से हर तरह के एहतियाती कदम को उठा रहा है। इसी कड़ी में प्राइवेट स्कूल ने वैक्सीनेशन को लेकर नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत बच्चों के स्कूल आने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिनके पेरेंट्स वैक्सीनेशन में मनमानी कर रहे हैं। इसके लिए जनवरी तक का समय दिया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को अपने पेरेंट्स का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र स्कूलों को देना होगा। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने यह जानकारी दी और साफ कहा है कि सरकार की यही योजना है कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने जो रणनीति बनाई है उस पर काम किया जाए। पटना मेट्रो रेल को लेकर इतने किलोमीटर में बिछाया जाएगा ट्रैक। पटना मेट्रो के काम में अब तेजी आ गई है। सरकार की भी यही कोशिश है कि तय समय में ही बिहारवासियों को मेट्रो की सौगात दे दी जाए। इसी बीच पटना मेट्रो को लेकर एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत पटना मेट्रो की राह में आने वाले 664 पेड़ों को हटाया जाएगा। इनमें से 654 पेड़ों को राजधानी के LCT घाट समेत अन्य जगहों पर पुनः लगाया जाएगा, ताकि हरियाली बनी रहे। ज्ञात हो पटना मेट्रो की यह योजना है कि 32 किलोमीटर में ट्रैक बिछाने का काम किया जाएगा। इस दिशा में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना मेट्रो की राह में आने वाले पेड़ों को चिन्हित करने के लिए पहले पटना पश्चिमी, पटना पूर्वी और दानापुर वन प्रक्षेत्र के पदाधिकारियों से स्थल जांच कराई गई। इनकी रिपोर्ट के अनुसंशा पर ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में बैठक की गई थी। 15 दिसंबर से शुरू होगा ठंड का सितम। बिहार में भले ही ठंड की रफ्तार धीमी हो, लेकिन जल्द ही ठंड अपना असर दिखाने वाली है, क्योंकि हर दिन के साथ अब तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण बिहारवासियों को ठिठुरन और ज्यादा महसूस होने लगी है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों में राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान घटकर 9 से 8 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। ज्ञात हो बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे में 2.4 डिग्री पारा लुढ़क सकता है, और अब यह सिलसिला आगे जारी रहेगा। इसके साथ ही 15 दिसंबर के बाद से 4 से 5 डिग्री पारा नीचे जाने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूरे प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रवाह तेजी से बह रहा है, और पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवा की वजह से राज्य के अधिकतर शहरों में तापमान में कमी आई है। IBC संगीन धाराओं वाली गाड़ी नंबर लेने से बच रहे हैं लोग। अगर आप भी गाड़ी के साथ साथ गाड़ी के खास नंबरों के भी शौकीन हैं, तो आपके लिए हमारी ये खबर कुछ खास है। IBC की संगीन धारा 420, 302, 376, 364, 379, 380 समेत कई अन्य धाराओं का नंबर लेने वाले अब परहेज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे नंबर लेने के लिए वाहन मालिकों को बकायदा 5,000 से 1,00,000 रुपए तक का शुल्क चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि यह नंबर VIP नंबर होते हैं, जो कि लॉटरी सिस्टम से ही लोगों को मिलते हैं। ऐसे में ऐसी गाड़ियों के नंबर को देखते ही पुलिस भी अलर्ट होती है, साथ ही आपको भारी भरकम रुपए भी चुकाने होते हैं। जिला परिवहन कार्यालय में तैनात प्रोग्रामर रविंद्र कुमार राय ने बताया कि 500 VIP नंबरों को शॉर्टलिस्ट कर इसकी सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है। आलम कुछ यूं है कि अब लोग जन्म तारीख के मूलांक और शुभ नंबर नहीं मिलने पर दूसरे जिले या अन्य राज्यों का रुख भी कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भागलपुर बिहार प्रांत का एक शहर है। गंगा के तट पर बसा यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर के निकट स्थित चंपा नगर महान पराक्रमी शूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती रही है। यह बिहार के मैदानी क्षेत्र का आखिरी सिरा और झारखंड और बिहार के कैमूर की पहाड़ी का मिलन स्थल है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए विश्वविख्यात रहा है। तसर सिल्क का उत्पादन अभी भी यहाँ के कई परिवारों की रोजी रोटी का स्रोत है। यहाँ एक हवाई
अड्डा भी है जो अभी चालू नहीं है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा गया और पटना है। रेल और सड़क मार्ग भी यहाँ पर शहर से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत आप भागलपुर घूमने आसानी से जा सकते हैं। यहाँ आपको काफी सारे पर्यटन स्थल जरूर मिलेंगे। बिहार के गया जंक्शन की बदलेगी सूरत। बिहार में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार लगातार एयरपोर्ट से लेकर स्टेशन तक का विस्तार कर रही है। इसी बीच अब गया जंक्शन की सूरत बदलने वाली है, जिसके तहत अब यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलने वाली है। चूंकि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, इसलिए जानकार यही उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी महीने से इसे पूरी रफ्तार में इसकी शुरुआत हो जाएगी। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने इसका निरीक्षण कर लिया है। निरीक्षण के बाद ही उन्होंने गया जंक्शन को विश्व स्तरीय स्टेशन भवन बनाए जाने की बात कही है। श्रेयसी सिंह ने एक और गोल्ड मेडल किया अपने नाम। जिन लोगों को राजनीति से लगाव होगा, उन्हें श्रेयसी सिंह बस एक भाजपा विधायक के रूप में नजर आती होंगी, लेकिन जिन लोगों को खेल में सच में लगाव होगा, उन्हें पता है कि श्रेयसी सिंह एक शूटिंग स्टार है, जिसका प्रमाण श्रेयसी सिंह ने कई बार दिया है। हाल ही में श्रेयसी सिंह ने अपने नाम एक गोल्ड मेडल किया था, जिसको लेकर विधानसभा से लेकर सीएम नीतीश ऑफिस तक चर्चा हुई थी। वहीं अब श्रेयसी सिंह ने एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। जी हां, आपने सही सुना, भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने एक बार फिर से 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर निशाना साधने में वो कामयाब हुई है। नेशनल गेम में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए दो दो स्वर्ण पदक हासिल करने पर भाजपा और राजग के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे हैं। मुख्यमंत्री आज लगाएंगे जनता दरबार। जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए बिहार सरकार की तरफ से सीएम नीतीश लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, जो कि वो हर सोमवार को लगाते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतें सुनेंगे, जो कि 11 बजे से शुरू होगी। सीएम नीतीश संवाद स्थित परिसर में बनाए गए नए हॉल में जनता दरबार में समस्याओं को सुनेंगे। इस दौरान वो लोगों की समस्याओं को सुनकर तुरंत निष्पादित करने का निर्देश अधिकारियों को देंगे। मार्च तक पटना में खुल जाएंगे 8 सीएनजी स्टेशन। बिहार के कई शहरों में प्रदूषण महानगरों से ज्यादा हो गई है। यही कारण है कि बिहार में सीएनजी को बढ़ावा देने की पहल की गई है। हालांकि इसको लेकर बिहार सरकार ने पहले ही सभी सार्वजनिक वाहनों को सीएनजी में तब्दील करने का आदेश दिया था, लेकिन इसमें बाधा आ रही थी पर्याप्त मात्रा में सीएनजी स्टेशन की अनुपलब्धता। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि पटना जिले में मार्च तक 8 सीएनजी स्टेशन खोलने की तैयारी हो रही है। ज्ञात हो पटना जिले में सीएनजी चलित वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जिससे इसकी खपत भी बढ़ रही है। वर्तमान समय की बात करें तो जिले में 48,000 किलो सीएनजी की खपत प्रतिदिन होने लगी है। जिले में सीएनजी पंप की संख्या 12 है। दिसंबर महीने के अंत तक बख्तियारपुर के एसआर फ्यूल और बेली रोड के ऋत्विक पेट्रोल पंप से सीएनजी मिलने लगेगी। अब बिना इंटरनेट सिर्फ एक एसएमएस में मिलेगी आधार से जुड़ी सारी सेवाएं। आधार कार्ड आज के समय में एक बेहद ही अहम दस्तावेज है। ऐसे में आपको आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाएं एसएमएस के माध्यम से मिल जाए तो क्या बात है। हालांकि अब तक ऐसी कोई सुविधा तो नहीं थी, लेकिन अब यह मुमकिन होने वाला है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं है। इन लोगों को ध्यान में रखते हुए UIDAI कई सुविधाएं शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत आपको अब बिना इंटरनेट सिर्फ एक एसएमएस से आधार से जुड़ी जरूरी जानकारियां मिलेंगी। इस सर्विस से यूजर आधार से जुड़ी कई सर्विसेज जैसे वर्चुअल आईडी जनरेशन या रिट्रीवल, अपने आधार को लॉक या फिर अनलॉक करने, बायोमेट्रिक लॉकिंग और अनलॉकिंग जैसी कई सेवाएं हासिल कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको जो भी सुविधा या सेवा चाहिए, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हेल्पलाइन नंबर 1947 पर एक एसएमएस भेजना है। बिहार में भाजपा और जदयू जल्द हो जाएगी अलग। बिहार में जब से भाजपा और जदयू एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई है, तब से इनके टूट को लेकर विपक्ष दावे कर रही है। इसी बीच अब कांग्रेस ने एक बार फिर से ताल ठोककर भाजपा और जदयू के अलग होने की बात कही है, जिसके तहत बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर का कहना है कि आने वाले दिनों में भाजपा अलग थलग हो जाएगी। ज्ञात हो हाल ही में बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के विशेष राज्य का दर्जा को लेकर किए गए इनकार के बाद से विपक्ष के बयानों को और हवा मिली है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो मांझी और मुकेश सहनी को लेकर भी चिंता जताई है। राजेश राठौर का कहना है कि अगर एनडीए की सरकार गिरी तो मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी क्या करेंगे, ये देखने की बात होगी। तेजस्वी यादव के मुरीद हुए सुशील मोदी। सुशील मोदी और लालू परिवार के बीच का रिश्ता जग जाहिर है। इसी कड़ी में अब तेजस्वी के मुरीद सुशील मोदी हो गए हैं। आलम पूछे हैं कि पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी ने दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर साहसिक काम किया है, इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। बिहार सरकार ने अंतरजातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने का नियम बना रखा है। इसके तहत जाति का बंधन तोड़कर शादी करने वालों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी भी इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि पाने के पात्र बन गए हैं। अगर वो आवेदन देते हैं तो वो बिहार सरकार से उन्हें 50,000 रुपये जरूर दिलवाएंगे।
शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले शुभानंद मुकेश। सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश जदयू में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद पहले तो उन्हें बीते दिन पार्टी की सदस्यता दी गई, जो उसके बाद सीएम नीतीश से उन्होंने मुलाकात की और पहुंचने के बाद इस मौके पर तीनों नेताओं का जदयू का पट्टा पहनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी में स्वागत किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जल संसाधन मंत्री संजय झा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि नेताओं की पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगी। इसके अलावा बीते दिन झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने भी जदयू प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। मुकेश सहनी को मांगनी होगी माफी और कहना होगा योगी जिंदाबाद। चुनाव उत्तर प्रदेश में और चुनाव की लौ बिहार में भी तेज है, क्योंकि भले ही उत्तर प्रदेश की किस्मत का फैसला अगले साल होना है, लेकिन उसका हिस्सा बिहार की भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं। यही कारण है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी यूपी चुनाव में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हालांकि उनकी यह मेहनत कितनी सफल होती है कितनी नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उनका यह सफर आसान नहीं होने वाला है। इसका अंदाजा अभी से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले ही भाजपा सांसद अजय निषाद ने साफ कह दिया है कि मुकेश सहनी को हमारे साथ रहना है तो भाजपा से माफी मांगनी पड़ेगी। इसके साथ ही यूपी के सीएम का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सांसद ने योगी जिंदाबाद कहने की भी शर्त रख दी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का 1921 में उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। भारत और सोवियत संघ ने 1955 में पंचशील प्रकाशन को स्वीकार किया। मंसूर अली खान पटौदी ने 1961 में अपना टेस्ट मैच करियर दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू किया था। महात्मा रामचंद्र वीर को 1998 में कोलकाता में बड़ा बाजार लाइब्रेरी की तरफ से भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली स्थित भारतीय संसद पर 2001 में आज ही के दिन निशाना साधा गया था। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच 2004 में परमाणु और सरक्रीक पर वार्ता प्रारंभ हुई। जम्मू कश्मीर के पांचवें चरण के लिए 2008 में 11 विधानसभा क्षेत्र में 57% मतदान हुआ। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के आरंभकर्ता इला चंद्र जोशी का जन्म 1903 में आज के दिन हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने 1986 में आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। बीसीसीआई ने शेयर किया रोहित शर्मा का वीडियो। रोहित शर्मा की एक वीडियो बीसीसीआई ने हाल ही में शेयर की है। रोहित ने बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बाहर के शोर से प्रभावित नहीं होंगे। जब आप भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो दबाव हमेशा अधिक होता है, दबाव हमेशा बना रहेगा। इसके बारे में बात करने वाले बहुत लोग होंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक क्रिकेटर के रूप में अपने काम पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ना कि इस बात पर ध्यान फोकस करना कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने ऐसे कई बार कहा है और मैं इसे दोहराता रहूंगा। टीम के लिए भी यह संदेश है कि टीम समझती है जब हम एक हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट खेल रहे होते तो बहुत सारी बातचीत होती है। बैंक खाता धारकों को मिल सकता है 5 लाख। बैंक खाता धारकों के लिए अहम सूचना। अक्सर आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई को बैंक के पास जमा कर देता है इस भरोसे से कि उसके पैसे सुरक्षित हाथों में है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बैंक डूब गए हैं, जिसके कारण खाता धारकों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब अगर कोई बैंक डूब भी जाए तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि बीते दिन पीएम मोदी ने बड़े बैंकिंग जोखिम सुधार की घोषणा की है, जिसके तहत अब बैंक अगर डूबता है तो लोगों को 5 लाख तक रुपए दिए जाएंगे। अभी से पहले यह राशि 50,000 रुपए तक थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया था, जिसके बाद अभी से 5 लाख कर दिया गया है। इस वजह से अमिताभ बच्चन को हर महीने 10 लाख रुपए दे रही हैं कीर्ति सानन। बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति सानन मेगास्टार अमिताभ बच्चन के घर को किराए पर ले रही हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन के मुंबई के अंधेरी में स्थित डुप्लेक्स अपार्टमेंट को किराए पर लिया है। इस डुप्लेक्स अपार्टमेंट के लिए कीर्ति सानन हर महीने 10 लाख रुपए का किराया दे रही हैं। अमिताभ बच्चन का यह अपार्टमेंट अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला रोड पर स्थित है। अंग्रेजी वेबसाइट मनी कंट्रोल के अनुसार बिग बी का यह डुप्लेक्स अपार्टमेंट अटेंडेंस बिल्डिंग के 27 और 28 मंजिले पर मौजूद है। इसके लिए कीर्ति सानन ने 7 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर दिए हैं। अभिनेत्री ने 2 साल के लिए अमिताभ बच्चन का डुप्लेक्स अपार्टमेंट किराए पर लिया है। इस साल 12 नवंबर को लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शाहजहां खातून, विजय घायल, बबीता यादव, मनीष मोहरा, साजन कुशवाहा, प्रिया सिंह, मनीष कुशवाहा, गौतम शंकर मुखिया, प्रिंस कुमार, मुन्ना कुमार, सरोज कुमार शर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बीते 2-3 दिनों से बिहार में COVID-19 के बढ़ रहे मामलों का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।